हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहू यानी कि डॉटर इन लॉ, जीवन साथी यानी कि स्पाउस, चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर इनको आप कोई गिफ्ट देते हो, उपहार देते हो, तो इनकम टैक्स की व्यू से थोड़ा सा ये क्रिटिकल मामला होता है। तो आपको क्या करना चाहिए इनकम टैक्स के हिसाब से कि आप बच सको। हालांकि रास्ता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना और कुछ कंडीशन है जिसमें आप बच सकते हो। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्वागत है जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ राम प्रकाश गौतम। अभी हम आपको देखिए, ये इनकम टैक्स का एक्ट जो है उसका सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 के क्लॉज 4, 6, 7 और 8, इस पे हम अभी आपसे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम स्पाउस के लिए लेते हैं, यानी कि स्पाउस का मतलब जीवन साथी, यानी कि पति या पत्नी। स्पाउस के केस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी गिफ्ट देते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ट्रांसफर करते हो फिक्स्ड एसेट्स का, याद रखना फिक्स्ड एसेट्स यानी प्रॉपर्टी वगैरह, तो उस केस में आपके इनकम को क्लब किया जाता है। क्लबिंग क्या होता है ये जान लीजिए। क्लबिंग का मतलब होता है कि दूसरे बंदे का इनकम आपके टोटल इनकम में जोड़ करके आपसे टैक्स लिया जाएगा, इसे कहते हैं क्लबिंग। क्लबिंग मोस्टली फैमिली मेंबर्स में होता है। अब यहां पे अगर आप ने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट किया अपने स्पाउस को, और उस प्रॉपर्टी से अगर किसी भी तरह का इनकम होता है तो वो इनकम का टैक्स देना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपने एक मकान अपने वाइफ को गिफ्ट कर दिया, वो वाइफ क्या करेगी, उसे फर्दर इनकम उसको मिलेगा, उस मकान को वो रेंट पे लगा देती है। जब वो रेंट पे लगाती है, या आप वाइफ हैं तो अगर आप अपने हस्बैंड को दिए और वो जब मकान रेंट पे लग गया, तो उससे जो भी इनकम हुआ उस पे टैक्स जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, उसको देना पड़ेगा टैक्स, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, देखिए स्पाउस में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो अगला स्टेप हम पॉइंट चर्चा करेंगे आपसे बहू के बारे में, डॉटर इन लॉ में, वो थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल है। इसमें अब कुछ पोजीशंस ऐसे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें आपको क्लबिंग नहीं होगी, यानी एग्जेम्पशन दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। ये एक्सेप्शन है आपको क्लबिंग का। इस केस में आपका क्लब इनकम नहीं होगा और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहली बात, अगर आप शादी से पहले प्रॉपर्टी को अपने वाइफ के नाम ट्रांसफर कर देते हो, तो उस केस में आपको जो इनकम होगा उस प्रॉपर्टी से, चाहे वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो यानी सेल के होने पे, या आपको रेंट का इनकम हो, उस केस में आपको नहीं क्लब होगा और आपको टैक्स देनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप बच जाओगे। कोशिश करो, जैसे अगर आपको 20 तारीख की शादी है, सबसे पहली बात तो अभी कोरोना का समय है, तो करो ना, अभी शादी मत करना, यानी कि कोई भी भीड़ भाड़ वाली काम नहीं करने के लिए कहता है कोरोना, ना करो, करो ना भीड़ का काम, ठीक है। दूसरे केस है कि जिस समय इनकम एक्रुअल हो रहा है, जिस समय इनकम जनरेट हो रहा है, उस समय हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा केस है, अब या तो आप शादी से पहले गिफ्ट कर दो, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होना चाहिए, या डाइवर्स हो गया है, तो डाइवर्स का जब सेटलमेंट हो रहा है उस समय कोर्ट में आप कोई मकान अपनी वाइफ को दे देते हो, गिफ्ट करते हो, तो उससे जो इनकम होगा उस केस में आपका इनकम में उसका इनकम नहीं जुड़ेगा और आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां बस अगर आप वहां पे डाइवर्स हो रखा है,
या कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड होता है आउट ऑफ पिन मनी से, जैसे कि आपने वाइफ को या हस्बैंड को कुछ डेली घरेलू खर्च के लिए पैसा दे रहे हो और उस पैसे को वो बचा करके कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो वहां पे भी आप सेफ हो जाओगे। तो दोस्तों ये तो था स्पाउस के लिए। अब हम आते हैं डॉटर इन लॉ में। डॉटर इन लॉ यानी बहू, बेटे की शादी हो रही है, ये केस थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि जब बहू आ जाती है तो अक्सर कुछ घरों में बुजुर्गों के साथ, ससुर के साथ या सास के साथ, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ दिक्कतें होती हैं, अलग अलग रहने की मुसीबत हो जाती है। और उस केस में आपने क्या किया, जब शादी होती है उस समय तो आपको पता नहीं है, आपने एक 1 करोड़ का घर खरीदा हुआ है और आप कहते हो कि इस 1 करोड़ का घर मैं अपनी बहू को गिफ्ट कर रहा हूं। आपने एक वसीयतनामा बनाया और बहू को दे दिया। याद रखिए, वसीयत में भी अगर आप जिंदा हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप मर गए तब तो खैर कोई बात ही नहीं रही। तो इस केस में आपको किसी भी कीमत में, मैं कहूंगा कि डॉटर इन लॉ को अगर आप देते हो प्रॉपर्टी और आप चाहोगे टैक्स से मैं बचूं, ये पॉसिबल नहीं है। अब जब आप कोई भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी करते हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सपोज करो आपने क्या किया कि किसी थर्ड पर्सन को दे दिया वो प्रॉपर्टी, डायरेक्ट आपने बहू को ना दे करके थर्ड पर्सन को दिया और उस थर्ड पर्सन के थ्रू इनकम आपकी बहू के पास आ रहा है, अगर इंजॉय कर रही है बहू उस प्रॉपर्टी को, ध्यान रखिएगा कि अगर इंजॉय कर रही है बहू उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो करके, तो उसका टैक्स आपके देना पड़ेगा, उसका इनकम आपके टोटल इनकम में क्लब हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी इनकम आप उस प्रॉपर्टी से अगर जनरेट होता है तो वो इन लॉ के फादर इन लॉ को, ससुर को देना पड़ेगा उस पे टैक्स। सपोज करिए कि 1 करोड़ के घर में, मैं यहाँ पे एक अच्छा चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप प्रिक्वेशन ले सकते हैं। सपोज करिएगा कि आपके 1 करोड़ का घर था, उस घर को मान लीजिए 20,000 पे बहू ने क्या कि रेंट आउट कर दी। अब रेंट आउट कर दी बहू, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो 20,000 रुपया आ रहा है वो 20,000 का एंजॉय करेगी बहू। अब घर में क्या हुआ, घर में कलह हो गया, सास ससुर या बहू के साथ रिलेशन सही नहीं बना है, अब सास ससुर तो एक जगह हो गया, बहू अलग हो गई, अब उससे इनकम तो आ रही है बहू के जेब में और टैक्स भर रहा है बेचारा ससुर, रिटायर्ड आदमी, बूढ़ा आदमी, परेशान, और उस पैसे का एंजॉय कौन कर रही है, बहू कर रही है। तो उस समय आपको बहुत ही पैनिक हो जाती है ये सिचुएशन। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में अगर बहू थोड़ा सा अगर ईमानदार है तो 20,000 से जब एवव आ रहा है रेंट, तो जो टीडीएस कटता है वहां पे क्या करिए कि बहू को चाहिए कम से कम टीडीएस वाले अमाउंट पे ससुर का, अपने फादर इन लॉ का पैन नंबर दे, ताकि जो रेंटर है वो जो टीडीएस जमा करेगा वो टीडीएस अमाउंट ससुर को आ जाए कम से कम, ताकि वहां पे उतना अमाउंट तो उसका इनकम कम होगा, उस जब इनकम उतना कम होगा तो उस पे कम टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर टीडीएस भी वो ले लेती है अपने पैन नंबर पे, तो ससुर का क्या हो गया कि टोटल का टोटल जितना इनकम है उस सारे के सारे पे टैक्स देना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखना, कोशिश करना। दूसरा केस आप ये कर सकते हो, सपोज करो वो प्रॉपर्टी बहू बेच रही है, जब वो प्रॉपर्टी बेचा जा रहा है, सेल आउट किया जा रहा है, और वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी है, तो वहां भी टीडीएस का मामला आता है। तो जब टीडीएस का मामला आ रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि अपने ससुर का पैन नंबर दे दीजिए, ताकि उस बंदा को उतना कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर बहू अपना दे रही है पैन नंबर तो ससुर यहाँ टैक्स भरेगा, और वहां रिटर्न फाइल करके, आईटीआर फाइल करके उस टीडीएस अमाउंट को बहू विड्रॉ कर लेगी, रिफंड ले लेगी।
तो यहाँ पे ये इश्यूज होते हैं। तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्लियर कर दिया होगा कि स्पाउस या बहू को किस तरह से गिफ्ट देना है। अब जिस वीडियो को बताने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। और अगर इम्पोर्टेंट लगे तो जरूर से जरूर शेयर करिए। और कोरोना का समय चल रहा है, बहुत निवेदन आपसे करूंगा कि जिंदगी रहेगी ना तभी शादी करोगे, तभी बहू आएगी या स्पाउस होने का है। तो जिंदगी बचाना है तो अभी कुछ मत करो ना, अब भी कोई भीड़ भाड़ वाली काम मत करो जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, जहाँ पे लोगों के समूह इकट्ठा हो वैसा काम मत करना। घर में बचो ताकि स्पाउस आए, फिर ये सारी वीडियोज का, मेरी ये जो वीडियोज में बताया हूँ गिफ्ट का, उसका एंजॉय आप करना। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और अपनी कॉमेंट हमें क्वेश्चन में जरूर दीजिए। थैंक यू, बाय।